फलस्तीनियों के लिए चीन भी मैदान में आ गया। आलमी दुनिया को दो टोक पैगाम दे दिया। सलामती काउंसिल की सदारत संभालने के बाद चीन का इसराइल फलस्तीन तनाजे से मुतालिक बड़ा ऐलान। चीन ने नवंबर के लिए सलामती काउंसिल की सदारत संभालने के बाद ऐलान किया है कि इस मुद्दत के दौरान इसराइल फलस्तीन तनाजे का तस्फिया चीन और पूरी सलामती काउंसिल की अव्वलीन तरजीह होगा। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अक्वामे मुतहिदा में चीन के सफीर जोंग जिन ने न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमारी सदारत की मुद्दत के दौरान पूरी सलामती काउंसिल की अव्वलीन तरजीह गजा के तनाजे को हल करना होगी। चीन के सफीर जोंग जिन ने कहा कि ये मसला गुज़श्ता चंद हफ्तों से काउंसिल की तवज्जो का मरकज है और बहैसियत सदर काउंसिल की दीगर जिम्मेदारियों के साथ साथ चीनी सदारत की तवज्जो का मरकज भी है। चीनी सफीर ने कहा कि चीन अकवामे मुतहिदा के सलामती काउंसिल के काम को न सिर्फ पहले से तयशुदा निजामुल औकात की बुनियाद पर करेगा बल्कि बैनुल अकवामी सूरत हाल को भी मद्देनजर रखेगा। Don't worry, Food Panda संभाल लेगा।